तो भाई काफी दिन से मेरे कमेंट बॉक्स में एक ही सवाल मैं बार बार देख रहा हूँ कि भाई जो प्लेटिनम कॉइन्स है जब से नया अपडेट आया तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कलेक्ट नहीं हो रहे हैं। कई बार तो जो 20 के 20 प्लेटिनम कॉइन्स एक दिन में मिलते हैं वो सारे ही कलेक्ट नहीं होते, और कई बार क्या होता है जो एक पर्टिकुलर मिशन होता है वो कलेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो कंप्लीट ऑल द डेली मिशन का जो लास्ट वाला रिवॉर्ड होता है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। कि उसकी वजह से क्या होता है कि भाई अगर अपन ये ऊपर वाले चारों मिशन पूरे करेंगे ना तो ही लास्ट वाले अपने को प्लेटिनम कॉइन्स मिलते हैं, अगर ऊपर वाले में से एक भी मिशन अपना रह जाता है ना तो ये लास्ट वाला भी नहीं मिलता है। चलिए भाई मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में जो भी जानकारी मेरे को पता है और मैं जो भी बताऊंगा आपको वो एकदम सही होगी और उसकी वजह से आपको काफी हेल्प होगी प्लेटिनम कॉइन्स को कलेक्ट करने में, और हो सकता है शायद से आज के बाद जब इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे के सारे प्लेटिनम कॉइन्स कलेक्ट कर पाओ। तो भाई ध्यान से देखिएगा इसको। भाई सबसे पहला जो मेरा सजेशन होगा आपको इस प्लेटिनम कॉइन्स वाले मिशंस को लेके, तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूंगा आप जब भी इस गेम को खेलने जाओ, जब प्लेटिनम कॉइन्स कलेक्ट करने के लिए खेलने जाओ, ऐसे तो रेंडमली आप दिन में बहुत बार खेलते होंगे इसको, लेकिन आपको ऐसा है कि भाई सुबह सुबह खेलना स्टार्ट किया तो मैं सारे के सारे कॉइन्स कलेक्ट कर लेता हूं, तो जब भी इस गेम को स्टार्ट करो तभी अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर दिया करो ताकि ये गेम जब स्टार्ट हो तभी से अपने सर्वर के साथ सिंक हो जाए। भाई जब से नया अपडेट आया तो आप सब लोगों ने एक चेंज नोटिस किया होगा, जैसे ही ये प्लेटिनम कॉइन्स मिशन ऑफ द डे वाली ये जो स्क्रीन है पूरी की पूरी ये अपने आप आपके सामने फ्लैश हो जाती है और आपको ये कलेक्ट करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं हो कि बाद में कलेक्ट कर लेंगे, ये कट नहीं होता है, वरना मैं ये यहाँ पे जो क्रॉस वाला ऑप्शन आता है वो आता ही नहीं है जब तक आप इसको क्लेम नहीं कर लेते होंगे। तो भाई इसका क्या रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है दिन के दिन मतलब हर रोज जो ये मिशंस हैं वो कि चेंज होते रहते हैं, सेम मिशंस नहीं है। पहले तो आप बिना मिशंस को पढ़े ही रिवॉर्ड्स को कलेक्ट कर लेते थे क्योंकि आप सब लोगों को पता था कि भाई क्या क्या मिशंस हैं, आप सब लोगों को स्टार्टिंग से आदत हो गई थी कि भाई सेम मिशंस आएंगे, लेकिन जब से भाई ये अपडेट आया तब से सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी इसी में देख लीजिए पहला जो मिशन है वो है भाई कलेक्ट योर डेली क्लेम, वो जैसे ही आप लॉग इन करेंगे डेली आएंगे मतलब गेम को जैसे स्टार्ट करेंगे वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। दूसरा भाई विन एन ऑनलाइन राइवल्स गेम, तो भाई इसके अंदर जो आपको मल्टीप्लेयर वाला गेम है वो जीतना पड़ेगा, ना कि सिर्फ खेलना पड़ेगा वो जीतना पड़ेगा। इंटरनेट कनेक्शन वाला इस मिशन के अंदर कोई इश्यू नहीं है क्योंकि अगर आप ये ऑनलाइन राइवल्स खेलने जाओगे तो आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना ही पड़ेगा वरना आप इसको खेल ही नहीं सकते। तो सबसे कमाल की बात है ये आपको जीतना पड़ेगा ना कि सिर्फ खेलना पड़ेगा। अगले मिशन के ऊपर जाते हैं तो भाई स्कोर एटलीस्ट ए 6 इन एनी टूर्नामेंट, तो भाई इसके अंदर बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, मेरे पास इसका सवाल भी आया था कि जो भाई 4 और 6 वाला मिशन होता है वो हमसे पूरा नहीं हो रहा। तो भाई गलती क्या कर रहे हो मैं बता देता हूँ, गलती ये कर रहे हो कि आप इस 6 वाले मिशन को पूरा करने की ट्राई कर रहे हो क्विक प्ले के अंदर, लेकिन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट में जाइए, चाहे वो ब्लिस टूर्नामेंट हो, T20 टूर्नामेंट हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी सीरीज हो, या फिर ये जो लीग चल रही है इनके अंदर आपको जाके कोई भी टूर्नामेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, मेरे को इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, शायद मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ। तो भाई ये मिशन आपका तब पूरा होगा, क्विक प्ले में पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, पूरा नहीं होगा। और इसके अंदर भाई सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भाई देखो इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखना पड़ेगा तभी आप जो 6 या 4 लगाओगे वो क्या होगा काउंट होएगा सर्वर के साथ, वो सिंक होएगा तभी आपका ये मिशन पूरा होगा। जो इससे अगला मिशन है वो चेंज होता रहता है, जो नया अपडेट आया उसके अंदर नए मिशन जुड़े हैं, तो उसके अंदर ये है कि भाई जो डिफरेंट स्टेडियम्स हैं उनके अंदर आपको एक गेम जीतना पड़ेगा। यहाँ पे भी देख लीजिए क्लियरली लिखा हुआ है विन ए गेम इन शारजा स्टेडियम टूडे, मतलब आज मेरे को शारजा स्टेडियम के अंदर एक गेम जीतना पड़ेगा तभी मैं इस मिशन को पूरा कर सकता हूँ। तो भाई इस वीडियो मैंने आपको जितनी ये बातें बताई इनके पीछे का मेन जो कंक्लूजन वो यही है कि आप जब भी मिशन पूरे करने जाओ या जब भी दिन में पहली बार इस गेम के अंदर जाओ तो इन मिशन को एक बार ध्यान से पढ़ लो यार मेरे भाई, फिर भी आपसे नहीं होता तो हम बैठे हैं भाई, हमको कमेंट करके बताइए, हम पूरा करके देंगे, आपको बताएंगे कैसे पूरा होता है। तो भाई पूरा कंक्लूजन यही है कि सारे मिशन से एक बार पढ़िए कि वो क्या बोलना चाह रहा आपसे और वो जो बोलना चाह रहा वही करिए तो आपके मिशन ऑलरेडी पूरे हो जाएंगे। अभी भी मन में कोई भी सवाल है कोई भी जवाब है तो सीधा आप हमें अपने इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, जवाब आपको जरूर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो यार थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो यार लाइक करके मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर दीजिए मेरे भाई।